नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई डिटेल है वो मिस ना हो। आगे बात करते हैं तो ये वैकेंसी निकली है NHM गरियाबंद छत्तीसगढ़ यानी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें अगर अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बात करें तो ये पोस्ट संविदा आधारित है, यानी ये वैकेंसी संविदा आधारित है। और इसमें आपको आवेदन है वो 15/6/2023 को शाम 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से भेजना है। निर्धारित तिथि के पश्चात साधारण डाक, कोरियर सीधे अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्टों की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करते हैं सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं। टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 14 पोस्टें हैं। इसके लिए यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है और साथ में आपने GNM कर रखी है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट 16,500 मिलने वाली है। स्टाफ नर्स ICU की बात करें तो टोटल 5 पोस्ट हैं। इसके लिए भी BSc नर्सिंग या GNM कर रखिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट सेम रहने वाली है। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, यानी BPT की डिग्री होनी चाहिए। 18,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलने वाला है। मेडिकल ऑफिसर आयुष की 3 पोस्ट हैं और मेडिकल आयुष फीमेल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। सभी के लिए BAMS, BHMS, BUMS डिग्री होनी चाहिए। 25,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद देख सकते हैं डेंटल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा। 2 साल का डेंटल कॉलेज या क्लिनिक के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12,000 रुपये पर पेमेंट आपको मिलेगी। उसके अतिरिक्त क्लीनर की पोस्ट हैं, अटेंडेंट की पोस्ट हैं, सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ की पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट, इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये देख सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट है साथ में जो MSW का कोर्स होता है वो किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर अन्य पोस्टें। नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। इसके लिए BSc नर्सिंग या GNM किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का। स्टाफ नर्स से UHWC की 8 पोस्ट हैं। इसके लिए भी BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग कर रखिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वही सेम 16,500 रुपये आपको मिलने वाली है। उसके बाद MPW मेल की पोस्टें हैं, 8 पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास 12th पास होने चाहिए जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट रहो और 1 साल का आपके पास मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपके पास छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल पैरामेडिकल काउंसिल का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। टोटल 14,000 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। स्टाफ नर्स SNCU की 2 पोस्ट हैं। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, BSc नर्सिंग, GNM और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। 16,000 रुपये पर मंथ पेमेंट आपको मिल जाएगी। स्टाफ नर्स NBSU की टोटल 10 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, पेमेंट भी यहाँ पर सेम रहने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की टोटल 43 पोस्ट हैं। इसके लिए कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पर 16,500 रुपये मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। आगे इसकी डिटेल्स दे रखी हैं वो देख सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी यहाँ पर दे रखे हैं। जब भी आप फॉर्म भेजते हो तो उस फॉर्म के साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको भेजनी है फॉर्म के साथ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर लिखना है। आपकी कैटेगरी क्या है वो ज़रूर लिखना है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा जिला स्वास्थ्य समिति जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाम से। अगर हम बात करते हैं वर्ग और इनकी जो फॉर्म फीस क्या रहने वाली है तो दिव्यांग, अज्जाम या महिला जिनको 25,000 से कम पेमेंट वाली जो पोस्ट है उनके लिए 100 रुपये फीस,
25,000 से ज़्यादा पेमेंट जिन पोस्टों के लिए उनकी 200 रुपये फीस रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य अभ्यर्थी है तो 200 रुपये फीस रहेगी, जिनकी 25,000 से कम पेमेंट है पोस्ट के लिए 200 रुपये फीस, और जिनकी 25,000 से अधिक पेमेंट है उनके लिए 300 रुपये फीस रहने वाली है। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये फीस रहेगी 25,000 से कम पेमेंट वाली पोस्टों के लिए, और 400 रुपये फीस रहेगी 25,000 से अधिक पेमेंट वाली पोस्टों के लिए। DED की मूल प्रति आवेदन के साथ आपको निश्चित रूप से भेजनी पड़ेगी। एज है वो 18 से लेकर 64 साल के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर बात करें तो 10वीं की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जो भी हो भेजना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा संबंधित है तो भेजना पड़ेगा। स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री भेजनी पड़ेगी, उनकी फोटोकॉपी, संबंधित डिग्री या डिप्लोमा की फोटोकॉपी भेजनी पड़ेगी, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवासी का निवास प्रमाण पत्र, अनुभव या अनाप्ति प्रमाण पत्र भी आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पर अनुभव के यहाँ पर नंबर जुड़ने वाले हैं, और उस हिसाब से आपको जो यदि आपके पास है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र जरूर भेजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका चयन किस आधार पर होगा, वो पूरी डिटेल्स दे रखी है। ये डिटेल्स आप इसकी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं www.gariyabandh.gov.in। इस पर जाकर आप इसका फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करने के बाद पूर्ण रूप से फिलअप कर सकते हैं, या इसका जो फॉर्म है आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म इसका दे रखा है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, इसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है, और एड्रेस की हम ऊपर बात कर चुके हैं, उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है DD लगाकर और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर। यदि अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनाना है तो ये फॉर्मेट दे रखा है, यही फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, किसी अन्य फॉर्मेट के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार ये वैकेंसी थी, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, स्टाफ नर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है, ज़्यादा पोस्ट हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।